हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ खुशी और आज हम बनाएंगे एकदम फूले फूले और कुरकुरे सूजी के गोलगप्पे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। गोलगप्पे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ली है 150 ग्राम सूजी, इसी में डाल देती हूँ। मैंने यहाँ पर जो सूजी ली है वो मोटे वाली है। साथ ही हम इसमें डाल देंगे चुटकी भर बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा हमें यहाँ पर ज़्यादा नहीं डालना है, वरना हमारे गोलगप्पे कढ़ाई में ही फटने लगेंगे। इसे मैं मिक्स कर देती हूँ। अब हम इसमें ऐड करेंगे ऑयल। ऑयल को मैंने जिस चम्मच से मापा है वो ये है, ऐसी चम्मच मोस्टली हम सब अपने घर में यूज करते हैं, तो ऑयल आप इसी हिसाब से डालें। मैंने यहाँ पर 4 चम्मच ऑयल डाला है। ऑयल को सूजी में अच्छे से मिक्स कर देंगे। मैंने दोनों को अच्छे से मिक्स कर दिया है। यहाँ पर सूजी में ऑयल बिल्कुल परफेक्ट है। ऑयल हमें यहाँ पर ज़्यादा नहीं डालना है, वरना गोलगप्पे सही नहीं बनेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम यहाँ पर पानी ऐड करेंगे। पानी एकदम गर्म होना चाहिए। मैंने पानी को उबाल आने तक गर्म किया है, तो पानी यहाँ पर बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म है। एक साथ हमें यहाँ पर सारे पानी को नहीं डालना है, पानी को थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएं और सूजी में मिलाते जाएं। हमें इसका एक सॉफ्ट डो बनाना है। अगर हम डो को कड़ा बना देंगे तो गोलगप्पे हमारे बिल्कुल भी नहीं फूलेंगे, इसलिए डो को हमें यहाँ पर नरम ही बनाना है। अब हमें इसे 3 से 4 मिनट के लिए लगातार बढ़िया से मसलना है, जिससे ये सॉफ्ट हो जाएगा और आप देखेंगे कि ये थोड़ा हल्का भी हो जाएगा। अगर आपको लगता है ये थोड़ा टाइट है तो बीच बीच में हाथों को गीला कर लें, तब इसे मसल लें। मैंने 5 मिनट लगातार इसे गूथा है। ये देखिए कितना नरम आटा बना है, इसमें बिल्कुल भी क्रैक्स नहीं है, बस इतना ही सॉफ्ट बनाना है हमें इसे। फिर हम एक कपड़े को लेंगे और उसे इसके ऊपर लगा देंगे, जिससे ये सूखेगा नहीं, और इसे 20 मिनट रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। हमारे डो को रखे हुए 20 मिनट के करीब हो गए हैं। अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। एक बार दोबारा से हम इसे गूंथ लेंगे। अब हम इसे लोइया बनाकर तैयार करेंगे। इसके लिए हम इसे बेल लेंगे। इसे हमें ज़्यादा बारीक नहीं बेलना है, थोड़ा मोटा ही रखना है। मैंने इसे बेल लिया है। ये देखिए कुछ इतना मोटा रखना है हमें यहाँ पर इसे। फिर मैंने लिया है एक ढक्कन, ये वाटर बॉटल का ढक्कन है। आप ऐसे ही कोई भी ले लें जो आपके पास अवेलेबल हो। अब मैं इसके ऊपर रखकर ऐसे दबाकर इसकी लोइया बना लूँगी। इससे सभी लोइया एक शेप और साइज की बनेंगी, और दूसरा हमें लोइया बनाने में टाइम भी बहुत ज़्यादा कम लगेगा। अब ये लोइया निकाल लेंगे हम। ये देखिए कितनी जल्दी बनकर तैयार होती हैं ऐसी लोइयाँ। मैंने सभी को निकाल लिया है, और जो हमारा एक्स्ट्रा डो बचा है उसे दोबारा ऐसे ही बेलकर उससे लोइयाँ बना लेंगे। इन्हें भी मैंने ऐसे ही निकाल लिया है। मैंने यहाँ पर सभी लोइयाँ बना ली हैं और इन्हें एक कपड़े से ढक दिया है, जिससे ये सूखेंगी नहीं। अब हम एक लोई को लेंगे और इसे हल्के हाथों से बेल लेंगे, लेकिन इससे पहले आप बेलन और चकले पर हल्का सा ऑयल लगाकर इन्हें चिकना कर लें, इससे बेलने में आसानी होगी। ये देखिए मैंने एक गोलगप्पे को बेल लिया है। आप चाहे तो एक एक करके बेलते जाएं और साथ ही इन्हें ऑयल में फ्राई करते जाएं, लेकिन तब हमें गोलगप्पे बनाने की स्पीड थोड़ा ज़्यादा रखनी होती है। तो मैं पहले यहाँ पर सभी को बेलूँगी और उसके बाद फ्राई करूँगी। मैंने ऐसे ही सभी गोलगप्पे बेलकर तैयार कर लिए हैं। अब लास्ट स्टेप है इन्हें फ्राई करने का, तो चलिए इन्हें फ्राई कर लेते हैं। मैंने कढ़ाई में ऑयल लेकर इसे हाई फ्लेम पर गर्म कर लिया है। पहले तो हम ऑयल को तेज गर्म कर लेंगे, और जैसे ही ऑयल तेज गर्म हो जाएगा तब हम इसमें गोलगप्पे थोड़ा जल्दी जल्दी करके डाल देंगे, और साथ ही फ्लेम को भी मीडियम पर कर देंगे। मीडियम फ्लेम पर हमारे गोलगप्पे फ्राई होंगे, तभी वो क्रिस्पी बनेंगे। वैसे तो सूजी के गोलगप्पे एक साइड से ही तेज सेके जाते हैं, लेकिन हम इन्हें दूसरी साइड से भी पलट देंगे, या फिर आप ऑयल को नीचे से ऊपर की साइड गोलगप्पों पर डाल दें, जिससे ये ऊपर से भी अच्छे से फ्राई हो जाएं। तो गोलगप्पे अच्छे से फ्राई हो गए हैं। मैं इन्हें कढ़ाई से बाहर निकाल लेती हूँ। मैंने
मैंने सभी को बाहर निकाल लिया है। ऐसे ही हम सेकंड बैच को भी फ्राई कर लेंगे। आप देखेंगे कि यहाँ पर सभी गोलगप्पे धीरे धीरे फूलने लग गए हैं। इन्हें भी मैं बाहर निकाल लेती हूँ। मैंने सभी गोलगप्पे फ्राई कर लिए हैं। ये सभी फूले फूले और क्रिस्पी बने हैं। सूजी के गोलगप्पे ठंडा होने के बाद और भी ज़्यादा कुरकुरे हो जाते हैं। आप भी इन्हें ज़रूर ट्राई करें। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।